आज उत्कृष्ट रसोई में हम बनाएंगे मावा बाटी। मावा बाटी का नाम सुनते ही हर किसी के मुंह में पानी आ जाता है। तो फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार आने वाला है, तो इसके लिए हम बनाएंगे आज एकदम सुपर सॉफ्ट मुलायम रसीली मावा बाटी, जिसे हम बनाएंगे हलवाई स्टाइल में। तो फ्रेंड्स, आइए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने लिया है आधा किलो मावा। मावे को हमने फ्रिज में रख दिया था तो ये कड़क हो गया है, इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेंगे। और यहाँ पर लिया है मावे का चौथाई हिस्सा मैदा। ग्राम में नापें तो 120 ग्राम मैदा है ये। सारी चीज़ें हमें मेजर करके ही लेना है, तभी हमारी मावा बाटी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी के लिए हमने लिए यहाँ पर 700 ग्राम शक्कर। शक्कर को अब हम एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसमें हम चाशनी बनाएंगे। अब यहाँ पर चाशनी बनाने के लिए हम चाशनी में डालेंगे पानी। तो यहाँ पर 200 ग्राम पानी हमने ये डाल दिया है, 100 ग्राम पानी और डाल देते हैं। टोटल पानी हमने 300 ग्राम डाला है इसमें। चाशनी को हमें तार वाली नहीं बनाना है, बस शक्कर घुलने तक ही हमें इसे पकाना है। हल्की सी चिपचिपी रहे, ज़्यादा पतली भी ना रहे, नहीं तो फिर मावा बाटी हमारी अच्छी नहीं बनेगी। मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी कि चाशनी हमारी किस तरह से बननी चाहिए। तो यहाँ पर शक्कर हमारी मेल्ट हो गई है, अब इसे हम कुछ देर और पकाएंगे जब तक कि ये चिपचिपी कंसिस्टेंसी में ना आ जाए। तो फ्रेंड्स, लीजिए चाशनी हमारी बन करके तैयार हो गई है, आपको मैं दिखा देती हूँ। हल्की हल्की चिपचिपी ये चाशनी लग रही है। अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो आप इसे कुछ देर और पका लें ताकि ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो फ्रेंड्स, लीजिए चाशनी हमारी बन करके हो गई है रेडी। अब फ्लेम को हम कर देते हैं ऑफ और चाशनी को ढक करके रख देते हैं साइड में। अब चलते हैं हम मावा बाटी बनाने के लिए। तो यहाँ पर मावे को हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है, आप देख पा रहे हो अच्छे से मावा हमारा सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम मैदा। मैदे की जगह आप आरारोट भी ले सकते हो, पर आरारोट आप मैदे का आधा लें, इससे ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर हमने फ्लेवर के लिए डाल दी है इसमें इलायची। 4-5 इलायची को हमने कूट करके ले लिया था। अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हम मावा और मैदे का एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। हमें इसे इस तरह से गूंथना है कि ना ज़्यादा कड़क और ना ही ज़्यादा नरम, एकदम मीडियम डो बना करके हमें तैयार करना है। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। मावा बाटी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। आप एक बार अगर देख लोगे तो आप ज़रूर से ज़रूर इस रेसिपी को बनाओगे। खाने में इतनी टेस्टी और देखने में इतनी सुंदर बनेगी कि आप अगर एक बार बना लोगे तो देखने वाले खाए बिना रह नहीं पाएंगे, देखते ही इसे खाने का मन करने लगेगा। तो फ्रेंड्स, लीजिए यहाँ पर आटे का डो हमने तैयार कर लिया है। बस इसी तरह का डो हमें बना करके रेडी करना है। अब इसके मनचाहे आकार में हम गोलियाँ बना लेंगे। वैसे जो मावा बाटी बनती है वो बड़े आकार में बनती है, आप देख पा रहे हो मैंने भी यहाँ पर बड़े आकार में ही बनाई है। जब हलवाई लोग मावा बाटी बनाते हैं तो वो इससे भी ज़्यादा बड़ी मावा बाटी बनाते हैं। हमने जो मावा बाटी बनाई है वो मीडियम साइज़ में है, आप चाहे तो इतनी बड़ी भी बना सकते हो या इससे बड़ी भी। इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए, ये बिना क्रैक की होनी चाहिए। इसी तरह से हम सभी मावा बाटी को बना करके रेडी कर लेंगे। अभी इन मावा बाटियों का साइज थोड़ा छोटा है, जब हम तलेंगे और चाशनी भराएगी तो इसका साइज डबल हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी दिखने लगेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो में बने रहें, रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है। जब आप इस तरह से मावा बाटी बनाओगे तो घर में सभी को बहुत पसंद आएगी, सभी आपकी तारीफ किए बिना नहीं रहेंगे, बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, लीजिए इसी तरह से हम सारी मावा बाटी बना करके रेडी कर लेंगे। देखने में तो ये मावा बाटी गुलाब जामुन की तरह दिखती है, लेकिन खाने में ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। गुलाब जामुन से इसका स्वाद डिफरेंट होता है। वैसे हर एक रेसिपी अपने अपने नाम से फेमस होती है, इसी तरह से मावा बाटी का भी अपना एक अलग ही नाम है और एक अलग ही स्वाद है। तो चलिए अब हम मावा बाटी को फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल लिया है मावा बाटी को तलने के लिए। आप चाहे तो इसे शुद्ध घी में भी तल सकते हो। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है, हमें मावा बाटी को एकदम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। आप देख पा रहे हो ऑयल ज़्यादा ना तो गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा, मीडियम है। हमें सारी मावा बाटी को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है, जिससे कि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाए। अगर हम ज़्यादा हाई फ्लेम पर इन्हें पकाएंगे तो ये ऊपर से तो सिकी हुई दिखेगी पर अंदर कच्ची रह जाएगी। जब हम इसे चाशनी में डुबाएंगे तो ये अंदर से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी
और एक कड़क गोली के टाइप में मावा बाटी के अंदर रह जाएगी। इसलिए इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। थोड़ी देर लगेगी पर बहुत ही अच्छे से सिक जाएगी। तो अब आप देख पा रहे हो मावा बाटी हमारी अच्छे से पक गई है। इनका कलर आप देख पा रहे हो रेड रेड आ गया है। अब सारी मावा बाटी हम निकाल लेते हैं और दूसरा बैच भी इसी तरह से हम डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे जब भी आप मावा बाटी को डीप फ्राई करें तो इसके लिए या तो आप शुद्ध घी लें या फिर सनफ्लावर ऑयल। सनफ्लावर ऑयल में कोई स्मेल नहीं होती है, इसलिए हम कोई भी मिठाई बनाने के लिए घी की जगह सनफ्लावर ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा, चाहे आप घी से बनाइए या सनफ्लावर ऑयल से, एक जैसा ही टेस्ट आएगा। हम मावा बाटी को बिल्कुल लो फ्लेम पर पका रहे हैं। आप देख पा रहे हो बिल्कुल धीरे धीरे ये पक रही है। एक बैच को पकने में कम से कम हमें 20 मिनट लग सकता है। भले ही हमें टाइम ज़्यादा लगे पर हमारी जो भी रेसिपी बने वो अच्छी बनना चाहिए, तभी जा कर के हमारी मेहनत सफल होती है। जल्दबाजी में काम तो हो जाता है पर अच्छा नहीं होता है और चीज़ें हमारी ख़राब हो जाती है। अब आप देख पा रहे हो यहाँ पर ये बैच भी हमारा बन चुका है। इसे भी अब हम निकाल लेते हैं। इसी तरह से हम सारी मावा बाटी को डीप फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स लीजिए, यहाँ पर हमने सभी मावा बाटी को डीप फ्राई कर लिया है। अब चलते हैं अगली प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर अब सारी गरम गरम मावा बाटियों को हम चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी भी हमारी गरम है। अगर चाशनी ठंडी हो जाती है तो इसे फिर से गरम कर लें ताकि मावा बाटी में अच्छे से चाशनी भरा जाए। अगर चाशनी ठंडी रहेगी तो मावा बाटी में अच्छे से चाशनी अंदर तक नहीं जाएगी और फिर मावा बाटी हमारी सॉफ्ट भी नहीं बनेगी। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि चाशनी हमारी गर्म रहनी चाहिए। अब सारी मावा बाटी को हमने चाशनी में अच्छे से डिप कर दिया है। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए ढक करके इसी तरह छोड़ देंगे ताकि इसमें चाशनी अच्छे से भर जाए। अब यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, हमारी मावा बाटी में अच्छे से चाशनी भर गई है। आप देख पा रहे हो कलर भी कितना सुंदर आया है, देखते ही खाने का मन करने लगेगा। इतनी सुंदर हमारी मावा बाटी बनी है। अभी ये पूरी तरह से मावा बाटी नहीं है, अभी हम इसे गुलाब जामुन ही कह सकते हैं। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं। कितनी सॉफ्ट ये बनी है आप देख पा रहे हो। तो चलिए इसे अब हम मावा बाटी का लुक दे देते हैं। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर डेसिकेटेड कोकोनट। आप डेसिकेटेड कोकोनट की जगह खसखस भी ले सकते हो। अब मावा बाटी को हम उठाएंगे और डेसिकेटेड कोकोनट में इस तरह से स्प्रेड करेंगे। इसी तरह से हमें सभी मावा बाटी को डेसिकेटेड कोकोनट में इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। फ्रेंड्स मावा बाटी का टेस्ट इस तरह से जब हम बनाते हैं तो बहुत ही अलग और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हमेशा आप गुलाब जामुन की जगह इसी रेसिपी को बना करके सभी को खिलाएंगे, आप भी खुश होंगे और सभी को खुश कर देंगे। इतनी टेस्टी ये रेसिपी बन करके रेडी होगी। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताएं और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो भी बिल्कुल फ्री में, और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। बाकी बची हुई मावा बाटी को भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब मैं आपको एक मावा बाटी कट करके दिखाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितनी सॉफ्ट हमारी ये मावा बाटी बन करके रेडी हुई है। एकदम जूसी जूसी, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट मुलायम, अंदर से एकदम जालीदार बनी है। आप देख पा रहे हो इसकी एक एक जालियाँ। तो फ्रेंड्स इस दिवाली आप मेरी तरह मावा बाटी ज़रूर बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आप भी खुश रहिए, परिवार को भी खुश रखिए। आप सभी को उत्कृष्ट रसोई की ओर से एडवांस में हैप्पी दिवाली। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।